नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चनरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वागीशाद्याः सुमनसः सर्वाता मुपक्रमे यतृत्यान्नमी गजाननम वागीशा वदने लक्ष्मी च वक्षसि यस्ते हृदय संवृत् सिंह भजे सिंह श्रीमद नारायण के चरणारविंद में नमन करते हुए आज श्रीमद् भागव, भागवत श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में और द्वितीय अध्याय अर्थात अद्वितीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं विषाद युक्त अर्जुन के चित्त में भगवान उत्साह का संचार करने के लिए उसको धर्म पथ पर निर्भयतापूर्वक संदेह रहित होकर बढ़ने के लिए उपदेश करते हैं उधर हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र के पास में संजय बैठे हैं और उन्होंने प्रथम अध्याय को निमित्त बना करके जो अर्जुन के द्वारा कहे गए अहिंसा पोषक भाषण थे और अर्जुन ने कहा कि मेरे लिए तो भिक्षासन मेव बरम युद्धापेक्षाया भिक्षा मांग करके रहना भी ठीक है युद्ध की अपेक्षा और परिणाम तो युद्ध से विमुख होने की जो प्रवृत्ति उसमें देखी जा रही है उनमें देखी जा रही है अर्जुन में ऐसा संजय के द्वारा धृतराष्ट्र ने सुना तो अत्यंत हर्षित हो गए युद्ध वैमुखम ज्ञात्वा युद्ध से विमुख होने का भाव अर्जुन के चित्त में आ गया है ऐसा जब धृतराष्ट्र ने जाना तो सह धृतराष्ट्र प्रसिदति प्रसन्न हो रहे हैं और मन में क्या भाव आ गया है चलो अच्छा हुआ स्वुत्रा नाम राज्य राज्यश्वरीयम अप्रचलितम अवधार्य अब मेरे पुत्रों का राज्य और मेरे पुत्रों का ऐश्वर्य और जीवन अक्षुण्ण रहेगा अबाध रहेगा अप्रचलित अब रहेगा अर्थात अब ये छिनने वाला नहीं है अब ये छुटने वाला नहीं है हस्तगतम निर्वि निर्विरोधम राज्यम मत्वा अब हमारे हाथ ही में है ये निर्विरोध राज्य है सह निश्चितोस्ति सह निश्चिंतोस्ति वो निश्चित भी है और निश्चिंत भी है ऐसा धृतराष्ट्र के मुख की भंगिमाओं को भाव भंगिमाओं को जान करके के संजय तो ज्ञानी है निष्पक्ष है वेदव्यास भगवान के कृपाभाजन है इसलिए धृतराष्ट्र के चित्त में आए हुए इस अकारण उत्साह के भाव को समन करते हुए कहते हैं संजय उवाच तथा कृपया विष्ट मश्रुपूर्णाकुले क्षण विषीदन तमिदाक्य मधुसूदन संजय कहते हैं तम अर्जुनम और तथा कृपयाविष्टम ये द्वितीय विभक्ति के रूप हैं जितने अर्जुन के है। विशेषण हैं कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम दिशीदंतम विषाद करते हुए कृपा से आविष्ट होने के कारण जिसके नेत्रों में अश्रु बिंदु झलक आए हैं आंसुओं से जिसके डबडबाते ड़ ड़ हुए नेत्र हैं ऐसे विषादग्रस्त करुणा पूर्ण अर्जुन को मधुसूदन भगवान कृष्ण इदम वाक्यम उवाच ऐसी वचन बोले क्या बोले आगे बताएंगे कृपयाभिष्ट अश्रुपूर्णाकुले क्षण इसको इस वाक्य का हम विग्रह आदि कैसे करेंगे तो कहते हैं करुणयाधिष्ठितम समाकुले समाकुल नेत्रे यस्य। माने करुणया से अधिष्ठित हैं और परिणाम तो अश्रुओं से परिपूर्ण हैं कुछ समाकुल भी हैं नेत्र जिसके अर्थात अश्रु व्याप्त तरलाक्षम अश्रुओं से व्याप्त और बेचैन नेत्र वाले उस अर्जुन से भगवान ने विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान ने ये कहा क्या कहा श्री भगवान उवाच कश्मलमिदम विषमे समुपस्थित अनाजुष्टमस्वर्ग मकीर्ति भगवान कहते हैं भगवान शब्द पर विचार करने से कर भी लें भगवान शब्द में भग शब्द है और उसमें मतु प्रत्यय हो गया तो भग अस्यास्तिति भगवान और भग का अर्थ क्या है भग का अर्थ है षडश्वर्य ऐश्वर्य समग्रस् धर्म से इति श्रिय इति ऋणा इति ऋणातीना वे दोनों पाठ मिलते हैं समग्र ऐश्वर्य जिनमें हो और शाश्वतिक समग्र अक्षीण समग्र ऐश्वर्य जिनमें हो अक्षत समग्र ऐश्वर्य जिनमें हो ऐश्वर्य से समग्र से तो समग्र से पद का सबके साथ में अन्वय करना होगा केवल ऐश्वर्य के साथ में ही समग्र पद का अन्वय नहीं सब ष्ठ्यंत हैं, इसलिए जितने भी ष्ठंत पद इस श्लोक में है ष्ठी विभक्ति वाले जो पद हैं सबके साथ में समग्र का विनियोजन कर लें अर्थात ऐश्वर्य समग्र अक्षत समग्र ऐश्वर्य और धर्मस्य अर्थात समग्र से धर्मस्य जिनमें समग्र धर्म की सत्ता अनुस्यूत है और समग्र निर्मल निष्कलंक अक्षीण समग्र यश जिनमें विद्यमान है तो ऐश्वर्य से समग्र से धर्मस्य यशस और श्रिय श्री अर्थात अक्षीण समस्त निर्दुष्ट श्री जिनके अंदर विद्यमान है और निर्दुष्ट अक्षीण अक्षत विशुद्ध विज्ञान ज्ञान विज्ञान जिनके अंदर समाहित है और इतना सब कुछ होने पर भी श्रीवान होने पर भी कीर्तिमान होने पर भी ऐश्वर्यवान होने पर भी जिनके अंदर अक्षीण अक्षत निर्दुष्ट समग्र वैराग्य प्रतिष्ठित है वो भगवान है अच्छा अब विचार कर लें कितनी भी ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहे ये मनुष्य कितना भी उद्योग करे ये मनुष्य तो भी क्या कभी संसार में ये मनुष्य भगवान की बराबरी पा सकता है क्या क्या संसार के साधारण कर्म बंधन में बंधे हुए जीव को यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि उसको समग्र ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए और भी अक्षीण और यदि ऐश्वर्य प्राप्त हो गया तो यात्रा ऐश्वर्य से प्रारंभ होकर के वैराग्य पर पूर्ण हो रही है माने समग्र ऐश्वर्य समग्र धर्म ऐश्वर्य होने पर आपके चित्त में धर्म की सत्ता का आदर होगा तो समझ लेना कि आप भगवान की भक्ति के पावन प्रवाह से आर्द्र हैं और यदि ऐश्वर्य होने पर भक्त धर्म नहीं आया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ऐश्वर्य भी हो धर्म भी हो और आपका पवित्र यश भी ऐसे कोई धन आने के बाद ऐसे कोई कर्म न हो धर्म के नाम पर भी ऐसा कोई आवरण और आडंबर और प्रदर्शन ना हो कि लोग आपका अपयस करने लग जाए तो समग्र ऐश्वर्य हो परंतु धर्म समन्वित हो और समग्र ऐश्वर्य और धर्म हो परंतु साथ में पवित्र निष्कल निष्कलंक यश भी होना चाहिए आपकी शोभा आपकी कांति भी अद्भुत होना चाहिए और आपके अंदर ज्ञान भी होना चाहिए केवल कोरे ऐश्वर्य से काम नहीं चलेगा आपके अंदर सत सत्क और सत का सही और गलत का विधि और निषेध का वस्तु और अवस्तु का बोध भी हो और इन सब के होने के बाद भी ऐश्वर्य जनित सुख में धर्म जनित स्वर्गाधिक जनित स्वर्गाधिक लोगों की प्राप्ति की लालसा में और यश से प्राप्त होने वाली जो प्रशंसा आदि के उसमें और सौंदर्य माधुर्यादि का आपके अंदर है उससे प्राप्त होने वाली प्रशंसा में और ज्ञान आपके अंदर है तो लोग प्रशंसा करेंगे नहीं करेंगे तो आप कराना चाहेंगे तो ज्ञान का जो भोग करने की अभिलाषा है कि प्रशंसा हो प्रशस्ति हो प्रसिद्धि हो इसमें आपका अप्रतिम वैराग्य हो ऐश्वर्य से प्रारंभ हुए छठवे गुण का नाम है वैराग्य तो ये घटित होता है केवल भगवान में ही तो जिनमें ये सड़ गुण घटित हों उनको भगवान कहते हैं श्रिया सहित तो, श्रिया सहित भगवान श्री भगवान ऐसे भगवान कहते हैं अरे भाई अर्जुन ये संबोधन हो गया अर्जुन ये कुतस्ता इदम कसमलम और तदपि विसमय विषमय समुपस्थितम ये जो कसमल तुम्हारे ये जो कालुष्य ये मालिन्य ये कार्पण्य असमय में जो तुम्हारे मन में कुविचार आया है इसका क्या औचित्य है विषमय माने असमय में और समुपस्थितम आ गया है हे सुनो जो तुम सोच रहे हो वो सब ठीक नहीं है जो हमारे हितैषी होंगे वो भी वही विचार करेंगे जो भगवान कृष्ण कर रहे हैं और यही करना ही चाहिए कुपथ पर कुमार्ग पर और अशास्त्रीय पथ पर विधर्म अर्थात परधर्म का आश्रय करने वाले अपने स्वजन को संबंधी को समझाए जो तुम कर रहे हो तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया सदाचारी जनों ने ऐसा कभी नहीं किया अनार्य जुष्टम अस्थि ये आर्य जुष्ट नहीं है, आर्य सेवित नहीं है सज्जनों के द्वारा परिपालित ये पथ नहीं है परिसेवित पथ नहीं है और अस्वर्गम और जो तुम करने जा रहे हो अर्जुन ये पहले तुम्हारे वीर पूर्वजों ने कभी किया नहीं श्रेष्ठ जनों ने कभी किया नहीं और अस्वर्गीय माने इसको करने के बाद में स्वर्गाधिक लोगों की प्राप्ति भी होनी नहीं और अकीर्ति कर्म जो तुम करने जा रहे हो जब तक जियोगे तब तक अपयस होगा और अपयस से बढ़कर के मृत्यु धरती पर कोई और है क्या इस विषय पर आगे विचार करेंगे तो कुतस्तवा माने त्वा अर्थ यहाँ पर तुम्हारे लिए त्वा शब्द तुम्हारे लिए अर्थात तुम्हारे जैसे व्यक्ति को शोभा देता है क्या तो क्या खास बात है अर्जुन में क्यों कह रहे भाई तुम में शोभा नहीं देता किसी और में अरे भाई तुम सामान्य नहीं सर्व क्षत्रिय प्रबरम तुम सब क्षत्रियो में श्रेष्ठ हो और अर्जुन तुम सामान्य नहीं हो तुम वो योद्धा हो जिसने अपने अपने पौरुष के बल पर शौर्य के बल पर अपनी धनुर्विद्या के बल पर तीनों लोकों में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है प्राप्त की है अर्जित की है अर्जुन व्यक्तित्व के निर्माण में सदियां लग जाती हैं अपनी छवि बनाने में बरसों लग जाते हैं व्यक्ति को पर उस छवि को व्यक्तित्व को कीर्ति को नष्ट करने के लिए एक ही एक ही पल पर्याप्त है इसलिए सावधान सर्व क्षत्रिय प्रवरम तुम सब क्षत्रियो में प्रवर हो श्रेष्ठ हो और प्रवरता कैसी है बोले तुमने तुमने महादेव को अपने युद्ध कौशल से प्रसन्न किया है तृप्त किया है जिसका वर्णन महाभारत में तो है ही है किरातार जुनियम में भी बहुत अच्छे से है किरात वेश में आकर के भगवान शिव ने अर्जुन के शौर्य की अर्जुन के धैर्य की अर्जुन की उत्साह की उसकी संकल्प सिद्धि की परीक्षा ली और अर्जुन कोई सामान्य नहीं है अर्जुन ने स्वर्गलोक में जाकर के अर्जुन ने स्वर्गलोक में जाकर देवराज इंद्र का सहयोग किया निवात कवच नामक दैत्यों का वध किया है अर्जुन ने अर्जुन वो जो देवराज इंद्र के आसन पर आसीन होते हैं आदर पाते हैं और अर्जुन की बात चल रही है तो अर्जुन शब्द का अर्थ है अर्ज धातु है ऐसे तो रिजु शब्द से भी अर्जुन संभव है जिसमें रिजुता है जिसमें ये औपनिषद व्युत्पत्ति है जिसमें रिजुता है सरलता है जो निश्चल है और समझ लीजिएगा जैसे अर्जुन का पेड़ सीधा होता है ना ठीक वैसे ही जिसमें कोई बनावट नहीं है कोई दिखावट नहीं है जो वो जैसा है वैसा ही दिखना जानते और चाहते हैं तो अर्जुन माने जो सरल है जो रिजु है और यह बात इसलिए भी कह रहे हैं समग्र महाभारत का अनुशीलन करना सब कहीं ना कहीं भटक जाते होंगे अर्जुन में कभी कपट कभी छल कभी छद्म देखने में नहीं आएगा और जो व्यक्ति ऐसा है निश्चल है निष्कपट है सरल है वही गीता प्राप्त करने का अधिकारी है चालाक व्यक्ति अपनी अपनी बौद्धिक चातु, चातुराई चतुराई के बल पर चातुरी के बल पर वो भगवत गीता का तत्व तो चाहे तो संभव नहीं है इसलिए निश्चल हो निष्कपट हो सरल हो और दूसरा अर्थ है अर्ज धातु अर्जनार्थक है इसमें ऊनन प्रत्यय होता है तो अर्जुन माने जो अर्जनशील है जो नित्य कुछ ना कुछ नया अच्छा सीखने की लालसा वाला है हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की जिनकी प्रवृत्ति है सद्गुणों का संचय करने की जिनकी प्रवृत्ति है वो अर्जुन हैं तो अर्जुन शब्द के अर्थ से हम समझें कि नित्य आ, कुछ न कुछ अच्छा सीखने की प्रवृत्ति नई भाषा नए, नए सद्गुण सदाचार अच्छे पुरुषों के साथ बैठ करके कुछ अच्छी बातें और सुन के समझ करके सीख करके उनको आचरण में उतारें और वाणी से नहीं अपने आचरण से दूसरों को धर्म का उपदेश करें अभी भाषण से बहुत सिखाया जाने लग गया है परंतु आचरण से सिखाने वाले घटने लग गए हैं सनातन धर्म का वैशिष्ट्य केवल इतना नहीं था कि प्रवचन करने से समझाया जाएगा अपितु तदनुरूप आचरण करके शिक्षा दी जाती थी आज उसमें कमी आ गई है तो श्री भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को अर्जुन तुम कोई सामान्य नहीं, नहीं हो और मन में आ रहा है एक विशेषता और बता दें अर्जुन की अर्जुन वो जो केवल बाह्य रूप से परिशुद्ध नहीं आंतरिक चेतना पर भी जिनकी मुकाबले का पावन चरित्र अन्यत्र मिलना दुर्लभ है अर्जुन माने वो जिनके चित्त में जिनकी चेतना में पवित्रता और शुचिता और सच्चरित्रता प्रतिष्ठित है जैसे उदाहरण के तौर पर अर्जुन देवराज इंद्र के समीप स्वर्गलोक में बैठे निवात कवच नामक दैत्यों का वध हो चुका अतः स्वर्गलोक में उत्सव मनाया जा रहा है और उत, उस उत्सव में उस महोत्सव में उस विजयोल्लास के पर्व में स्वर्गलोक की सर्वोत्तम नृत्यांगना अप्सरा उर्वशी को आमंत्रित किया गया सब देवताओं के दिव्य आसन लगे हैं देवराज इंद्र बैठे हैं उनके समीप अर्जुन विराजमान है बड़ा भव्य समारोह चल रहा है सबकी दृष्टि है कि आखिर वो कौन मेहमान है कौन अतिथि है वो कौन अभ्यागत है हमारे यहाँ जिसके कारण ये उत्सव मनाया जा रहा है लोगों में उत्सुकता वो कौन है अर्जुन पृथ्वी लोक का मनुष्य वो कौन है जो देवताओं का सहयोग करके निवात कवच नामक दैत्यों को मार जिसने मार दिया है लोगों की उत्सुकता है अर्जुन को एक झलक देख लें उर्वशी के चित्त में भी ये भावना है कि कोई नर पुंगव कोई नर नरश्रेष्ठ भारत भूमि से आया है देखूं तो नृत्य चल रहा था और सहसा प्रथानंदन अर्जुन की दृष्टि उर्वशी के मुख कमल पर पड़ गई और संयोग की बात है उसी समय स्वर्गलोक की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी का दृष्टिपात भी अर्जुन पर हो गया दोनों की आंखें मिल गई और देर तक मिली रही तो देवराज इंद्र भी मन ही मन मुस्कुराए और अन्य देवगण अन्य गण भी इस दृश्य को देख करके चौक गए उर्वशी के मन में भाव आ गया कि सुकुमार ये नरश्रेष्ठ भारत भूमि से आया है अद्भुत है कमनीय है अपूर्व योद्धा है इसलिए नृत्य में और भी प्रगाढ़ता आ गई जब गाने वाले को लगता है कि सुनने वाले कुछ गंभीर लोग हैं और रस लेकर के श्रवण कर रहे हैं तो और मनोयोग से गाता है नाचने वाले को जब लग जाता है देखने वाले कुछ महत्वपूर्ण हैं और बड़े मनोयोग से डूब करके रस संवर्धन करते हुए उत्साहित होते हुए ये दर्शन कर रहे हैं तो नाचने वाले के नृत्य में और प्रगाढ़ता आ जाती है और कुछ विलक्षणता आ जाती है ऐसे ही प्रवक्ता को भी लगता है जब प्रवक्ता को लगता है श्रवण करने वाले कुछ श्रेष्ठ हैं प्रौढ़ हैं तो उसके उसके आ, उ, उनकी उन उनकी अभिव्यक्ति में प्रौढ़ता आ जाती है परिपक्वता आ जाती है तो स्वाभाविक है कि अर्जुन जो अतिथि हैं मुख्य अतिथि हैं वही अत्यंत आनंद के साथ में निर्निमेश दृष्टि से अपलक निहारते हुए मुझको देख रहे हैं मेरे नृत्य से प्रसन्न हैं और अच्छा नाच शुरू हो गया देवराज इंद्र भाप गए और यहां थोड़ा क्षमा करना यदि ये कहें कि अर्जुन के मन को नहीं जान पाए ना तो देवराज इंद्र अर्जुन के मन को जान पाए और ना ही उर्वशी अर्जुन की आंखों को पढ़ पाई और उनके मनोभावों को जान पाई और ना ही सभा में बैठे हुए लोग जान पाए तो अब क्षमा इसलिए कह रहे थे क्षमा करें कि देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं और सभी प्राणियों को प्राय उनके कर्मों के अनुसार फल देने में वो नियुक्त हैं तो भला ये बताइए कि देवराज इंद्र देवताओं के सम्राट होने पर भी क्या एक मनुष्य के मन को नहीं भाप पाए बोले भाई मनुष्य हो तो उसके मन को भापा जाए परंतु ये तो ये तो भगवान के अप्रतिम सखा संबंधी स्वजन हैं। इसलिए बड़ा आसान नहीं है दूसरे के मन को पढ़ना नित्य पूर्ण हुआ देवराज इंद्र ने संदेश भेजा उर्वशी के पास कि रात्रि में हमारे अतिथि अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए आपको उनके पास जाना है उर्वशी को तो मानो मन चाह वरदान मिल गया उर्वशी तो ये चाहती ही थी एक और गजब की बात बताऊं उर्वशी का मतलब है आम, हिंदी में अर्थ करेंगे तो हृदय में बसा हुआ कोई वो उर्वसी है परंतु तो ऐसा नहीं उरु कहते हैं जंघा को उरु माने जंघा और उस जंघा से जो प्रगट हुई है तो किसकी जंघा से प्रगट हुई बोले एक बार नरनारायण भगवान बड़ी विलक्षण साधना में तल्लीन हैं देवराज इंद्र के मन में ये भ्रम आ गया कि संभवतः ये मेरे मेरे पद को मेरे राज्य को पाने के लिए तप कर रहे हैं इसलिए चलो कुछ विघ्न किया जाए तो अप्सराओं का समूह भेज दिया कामदेव के साथ नरनारायण भगवान की उस विलक्षण निर्दुष्ट साधना में ये अप्सराएं विक्षेप नहीं कर पाई उस समय तक उर्वशी का जन्म नहीं हुआ है प्रादुर्भाव नहीं हुआ है तिलोत्तमादिक मैन का अधिक अवसराए गई हैं जब पराजित हो गए हार गए परंतु महात्मा को नर नारायण भगवान को प्रभावित नहीं कर पाए तो निराश होकर के क्षमा याचना पूर्वक जाने लगे नर नारायण भगवान ने कहा घबराओ मत परेशान मत हो हम नाराज नहीं हैं तुम आ, मानो कामदेव को देवराज इंद्र को ये संदेश दिया है कि तुम जिन अपसराओं के अर्थात सौंदर्य के प्रभाव से जिस काम के प्रभाव से हमारी साधना को विखंडित करना चाहते थे उससे अधिक सौंदर्य तो हमारे पैरों में हमारी जंघाओं में बसता है इसलिए अपनी जंघा से नरनारायण भगवान ने नारायण भगवान ने ये उर्वशी को प्रकट किया इस अप्रतिम सौंदर्य संपन्न विभूति को देख करके वो जो स्वर्ग लोग से आई हुई अप्सराएं थी वो सब चकित हो गई चौक गई लज्जित हो गई हतप्रभ हो गई तो ये उर्वशी है कौन मानो नरनारायण भगवान की जंघा से उत्पन्न होने के कारण अंगजा है एक कितना मनोरम संबंध है कि अंगजा माने तनुजा है दूसरी बात ये वो तो जानती नहीं कि अर्जुन कौन है पर अर्जुन तो जानते हैं रात्रि को सब लोगों को विदा करने के बाद विश्राम में जाने से पूर्व नित्य अर्जुन भगवान का ध्यान करते थे आसन पर बैठ करके और उस समय भी ध्यान कर रहे थे अचानक द्वार खुला था तो उर्वशी अंदर आई उस रात्रि में एकांत में उर्वशी को अपने कक्ष में पाकर के अर्जुन उठ करके खड़े हुए और नजरें नीचे झुका ली भद्र भद्र पुरुष का लक्षण है कि न, आ, माताओं से संवाद करते समय हमने यही सुना था और यही समझते भी हैं माताओं से बात करते समय वो नेत्रों से नेत्र मिलाकर के बात नहीं करते थे आज का चलन कुछ और है और आज आँखों से आँखें मिलाकर के बात ना करें तो लोग कुछ और अर्थ लगाते हैं हम इस विषय में नहीं जाना चाहते सम्मान की दृष्टि से पर नारी के चरणों पर दृष्टि होनी चाहिए सच्चारित्र की दृष्टि से परिस्त्री के चरणों पर दृष्टि हो उसके मुख पर दृष्टि नहीं होनी चाहिए यह विषय में विषय बात में बात और कथा में कथा बढ़ जाएगी प्रमाण क्या है बोले अनेकों वर्षों तक लक्ष्मण जी महाराज माता सीता के संग रहे परंतु उन्होंने कभी मां सीता का मुख कमल देखा नहीं और ये प्रसंग आता है सुग्रीव के यहां जब मां सीता के आभूषण मिले तो राम जी तो आंखों में आंसू भरे पूछते हैं लक्ष्मण देखो तो ये वस्त्र सीता के हैं क्या ये कुंडल सीता के हैं क्या ये केयूर सीता के हैं क्या तो लक्ष्मण जी महाराज ने क्या कहा बोले भगवान ना तो मैं कुंडल जानता हूं ना केयूर जानता हूं ना हम जाना मैं केयूरे और ना हम जाना मैं कुंडले तो फिर तुम क्या जानते हो बोले नूपुरे नूपुरे तभी जाना मैं नित्यम पादाभिवंदनात् मैं तो नित्य माता के आ, मा, माता सीता के अपनी मातृ सदृशा माता सीता के चरणों में प्रणाम करने जाता था तो मेरी दृष्टि में तो केवल माँ के नूपुर बसे हैं मैंने कभी कुंडल आदि को नहीं देखा ये भारतवर्ष के चारित्रिक उत्कर्ष का चारित्रिक उत्कृष्टता का एक प्रमाण है उदाहरण है इसलिए अर्जुन महाराज खड़े हुए और चरणों में दृष्टि डालकर का मां इतनी रात में उर्वशी को मान ऐसा लगा जैसे कमलनी पर तो सारा पात हो गया हो उसके मनोरथ भग्न हो गए चूर चूर कर दिए हो उन्होंने कहा ए, ए नरपुंग ए नरश्रेष्ठ अर्जुन हम स्वर्ग की अप्सराओं के वो संबंध मनुस्मृतियों के आधार पर नहीं नापे जाते मनुष्यों के जैसे नहीं होते कि कौन माँ कौन बहन कौन बेटी कौन क्या मैं कुछ अभिलाषा लेकर के आए हूँ अर्जुन ने कहा माँ आप गलत समझती हैं तो उर्वशी ने कहा कि देवराज इंद्र ने मुझको आदेश दिया है और फिर तुम तो नृत्य के समय पर आप अलग दृष्टि से मुझको निहार भी तो रहे थे तुम्हारे नेत्रों में वो वो अपूर्व प्यास पिपासा मैंने देखी है आकर्षण मैंने देखा है अर्जुन ने कहा माँ मैं तो आपको देख करके इसलिए मगन था कि मैं सोच रहा था कि मेरे कुरुवंश की का मेरे कुरुवंश का प्रारंभ आपके द्वारा हुआ है महाराज पुरु के साथ में आपका संबंध है और महाराज पुरु से हमारा ये कुरुवंश चला है इसलिए मैं तो अपने वंश की जननी को मातृभाव से दर्शन करके मुग्ध था जैसे छोटा सा बालक अपनी माँ को देख करके मुग्ध हो जाए ठीक उस भाव से मैंने तो आपके अंदर अपनी माँ का दर्शन किया कुंती का दर्शन किया इसलिए क्षमा करना क्रुद्ध होकर के उर्वशी ने कहा कि यदि तुम मेरी आशा का पोषण नहीं करोगे मेरी इच्छा को पूर्ण नहीं करोगे तो मैं तुमको नपुंसक होने का साप दूंगी मैं तुमको घोर साप दूंगी अर्जुन ने कहा माँ यदि साप मिलता हो तो मिल जाए और ये शरीर जाता हो तो चला जाए परंतु मैं अधर्म के पथ पर नहीं जा सकता मुझसे अधर्म नहीं होगा ये पाप नहीं होगा सोचो कल्पना करो अर्जुन माने कौन है अर्जुन वह जो एकांत के पलों में और वहां के सम्राट के द्वारा अनुमोदित और इस ब्रह्मांड की सर्वोत्तम सौंदर्य संपन्ना किसी अप्सरा के एकांत में प्रणय निवेदन करने पर भी विचलित जो न हो वो अर्जुन है ऐसा जो सच्चारित्र के पावन शीर्ष पर आसीन होगा वही तो गीता का पात्र होगा वही तो भगवान के इतने समीप पहुंच पाएगा अन्यथा भगवान के समीप पहुंचना कोई आसान है क्या जितने संबंध भगवान के अर्जुन के साथ में है भला कौन किसको सुलभ है सौभाग्य अर्जुन के सारथी बन जाते हैं अर्जुन के अर्जुन के सखा बन जाते हैं अर्जुन के साले बन जाते हैं ऐसे पवित्र आचरण संपन्न अर्जुन को ये जो सौभाग्य मिला है महाराज एकांत में किसी के साथ में बैठकर के कुछ बातें करना अलग बात है पर दोनों दोनों सेनाएं तनी हुई हैं सबके हाथों में हथियार हैं गजब हो रहा है इस धरती का अनूठा आश्चर्य है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ मंचों पर कथा कहना अलग बात है अपने समूह समर्थकों के बीच समर्थकों के समूह के बीच में कोई संवाद करना अलग बात है आकाश में बैठ के बोलना अलग बात है पाताल में बैठ के बोलना अलग बात है पर युद्ध के मैदान में बैठ के, युद्ध के मैदान में खड़े होकर के आध्यात्मिकता का उपदेश तो केवल कृष्ण कर सकते हैं और श्रवण केवल अर्जुन कर सकते हैं और भला कौन है दुनिया में कोई उदाहरण नहीं मिलेगा आपको किनी का किनिका का उनके मजहब का उनके मत का जो ग्रंथ जो उनकी मान्यताओं में आसीन ग्रंथ है जो उनके ढंग से उन उनसे उपासना कराते हैं कोई कहता है आसमान से उतरा है कोई कहता है हवा से आया है पर हमारी भगवद गीता तो अत्यंत व्यावहारिक है जो भूमि पर खड़े होकर के परमात्मा ने उपदिष्ट की है और युद्ध के मैदान में संघर्ष के पलों में आध्यात्मिकता का जो दीपक जला है वो अनूठा है इसलिए अर्जुन को समझना बहुत आवश्यक है ऐसा अर्जुन ये बात क्यों आई जानते हैं कुतस्तवा इदम कसमलम तुम्हारे जैसे जो सर्वक्षत्रिय प्रवर है और जो ऐसा अद्भुत है कि एकांतिक पलों में भी किसी पर नारी के प्रणय निवेदन को स्वीकार नहीं करता नपुंसक होना स्वीकार कर लेता है परंतु पर नारी का स्पर्श करना स्वीकार नहीं करता तुम साधारण नहीं हो तुमने स्वर्गलोक में इंद्र का आसन प्राप्त किया है तुमने निवात कवच नामक दैत्यों को मारा है तुमने युद्ध के मैदान में भगवान शंकर को संतुष्ट किया है और तुम मात्र तुम्हारे जैसे हो तुम्हारे जैसा कोई नहीं है तो फिर ये कारुण्य ये कृपणता ये कैंकर्य क्लैव्य कैसे आ रहा है इसलिए सावधान हो जाओ विषमय माने सभे स्थाने संग्राम संकटे तुम तो सोचते हो ये माता पिता भाई ये भाई बंधु हैं इनको मारो ना पर संसार पता है क्या कहेगा संसार कहेगा कि अर्जुन ऐसे तो बड़ा योद्धा था दुनिया भर में उसके गांडीव की प्रत्यंचा की टंकार गूंजती थी पर जब महाभारत के युद्ध का निर्णायक पल आया तो भीष्म द्रोण आदि से सजी हुई ग्यारह अक्षौणी सेना को देख करके वो कांप गया और मृत्यु से डर करके भाग गया पराजय के डर से भाग गया लोग कहेंगे कि डरना होता तो युद्ध तो बहुत की तब क्यों नहीं डरा इसलिए अकीर्ति हो जाएगी और अकीर्ति जानते मरणाथ अतिरिचित संसार में अपय से बढ़कर के और मौत क्या है जो अप बदनामी से नहीं मरा जो अपयस के भय से नहीं मरा जो अपकीर्ति के भय से नहीं मरा वो कैसे मरेगा उसको यमराज मार करके क्या करेगा अश्वर की माने का मतलब है अपकीर्ति का मतलब है इस लोक में भी सुख नहीं मिलना है और अश्वर की माने स्वर्गलोक भी जाओगे तो वहां भी सम्मान और सदगति प्राप्त नहीं होगी दूसरी एक जो विशेष बात है अनार्य जुष्टम पर इस पर विचार कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे अनार्य जुष्टम क्या है पहले आर्य को समझ लें फिर अनार्य को समझ लेंगे तो आनंद गिरी जी ने अनार्य जुष्टम का अर्थ किया न आर्या अनार्या जो आर्य नहीं है और तई ही अनार्य जुष्टम मान सेवितम इस लोक में और उस लोक में दोनों जगह निंदित हो जाएगा अनार्य शब्द का अर्थ क्या है बोले शास्त्रार्थ शास्त्रार्थम अविद भी जो शास्त्र के अर्थ को नहीं जानने वाले हैं वो है अनार्य अर्थात आर्य कौन हुए जो शास्त्र के मर्म को तत्व को जानने वाले हैं वो है आर्य अथवा अत्तुम सदाचरितुम सीलम यस्य स आर्य जो सदाचार का पालन करने के स्वभाव वाले हैं उनको आर्य कहा जाता है और तदिन्न अनार्य सदाचार जो सदाचार संपन्न जिनका जीवन नहीं है वो अनार्य अश्रेष्ठ निंद्य तो अनार्य का अर्थ हो गया जो शास्त्र के अर्थ को नहीं जानते जो सदाचार को नहीं जानते अच्छा एक जगह और भी आर्य की परिभाषा की गई है कर्तव्यम आचरण कामम अकर्तव्यम अनाचरण और तिष्ठति प्राकृताचारे स तो आर्य स्मृत अभी क्षमा करना भाई वर्तमान काल में डेढ़ सौ वर्ष के कालखंड में आर्य के नाम पर जो समाज खड़ा हुआ है हमारा उस से कुछ लेना देना नहीं है हम ये नहीं कह रहे कि उनका कोई खंडन या मंडन हम कर रहे हैं जैसे ब्रह्म समाज खड़ा हो गया तो उसमें खड़े होने वाले लोग सब ब्रह्म बन गए थे क्या जैसे ब्रह्म समाज के सभी रजिस्टर्ड सदस्य ब्रह्म नहीं हो सके ऐसे ही आर्य समाज के अंतर्गत आने वाले रजिस्टर्ड सदस्य भी सब अनार्य हो जाए वो, सब आर्य हो जाए संभव नहीं है केवल समूह के नाम रख लेने से और अपने आगे आर्य लगा देने से आर्यत्व तो नहीं आ सकता आर्यत्व तो का लक्षण क्या है आर्य कौन है कहने भर से कोई आर्य नहीं होगा और ये अर्थ कर लिया कि जो आर्य समाज में समाहित हैं वही आर्य हैं तद भिन्ना अनार्य हा तो भैया फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कहाँ जाओगे आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज पूज्य श्री रामानंदाचार्य जी रामानुजाचार्य कहाँ जाओगे तुलसीदास जी सूरदास जी मीरा जी कहाँ जाओगे इसलिए क्षमा करना वो उद्देश्य नहीं है तो पहले सुन लो कर्तव्य का आचरण करे और अकर्तव्यम अनाचरण अर्थात शास्त्र विहित कर्मों को करने वाला और शास्त्र विशि निषिद्ध कर्मों को न करने वाला और जो सदाचार में प्रवृत्त है उसको आर्य कहा जाता है ये बात भी थोड़ी उलझनसी में रह गई कुछ समझ में नहीं आया क्या है शास्त्र बोधित कर्म करें शास्त्र के द्वारा निषिद्ध कर्मों को ना करें तो इस परिभाषा को अपने ऊपर घटित कर लेना चाहिए कि हम आर्य हैं कि नहीं हैं कुछ लोगों ने तूफान मचाया कि आर्य तो बाहर से आए यहाँ तो द्राविण रहते थे आ, ये द्रविणों का देश है हम मूल निवासी हम हैं और तुम तो बाहर से आए ये सब भ्रम है और सब एक कपोल कल्पित वितंडावाद है चलिए आर्य आर्य का मतलब है बहुत सुंदर अर्थ महाभारत में आया है कि आत्मनिंदात्म प्रशंसा च पर निंदा परस्तव अनाचरित मार्णाम जो आर्य हैं उनमें चार बातें घटित होनी चाहिए क्या क्या चार बात बोले आत्मनिंदा अपनी निंदा करना ये कोई अच्छी बात नहीं है और जैसे अपनी निंदा करना अच्छी बात नहीं है दैन्य तो अच्छा है ये सरलतापूर्वक ये कहना कि साहब हम क्या जाने हम तो तुच्छ, ये तो बहुत अच्छा है ये दैन्य है पर आत्मनिंदा माने जो तुम्हारे आ, आ, व्यर्थ में ही अपने आप को कोसना भाग्य का नाम लेकर के कर्म का नाम लेकर के देश का समाज का नाम लेकर के साफ अपने अपने जीवन को निंदित करना मेरा भाग्य खोटा है मेरा पिता ठीक नहीं है अमुक अमुक तो जो अपनी निंदा करता है वो आर्य नहीं है और इससे भी ज़्यादा घातक है अपनी प्रशंसा करने वाला अपनी प्रशंसा करने वाला भी आर्य नहीं है कि मेरे जैसा कोई नहीं है हम तो दुनिया में अद्भुत हैं केवल हम ही वैदिक हैं दूसरे लोग तो ये पौराणिक हैं ये अनार्य है आधिक आदिक ऐसा नहीं जो आत्मनिंदा और आत्म प्रशंसा नहीं करता तो चलो साहब हम अपनी निंदा और अपनी प्रशंसा छोड़ देंगे परंतु परनिंदा और परस्तव तो कर सकते हैं बोले नहीं दूसरों की निंदा भी ना करे दूसरों की मिथ्या किसी प्रलोभन के अधीन होकर के प्रशंसा भी ना करे वो आर्य है अनाचरित आर्या नाम धर्म एतच चतुष्टयम ये आर्यों के द्वारा आचरित नहीं है अच्छा अब बात आएगी सब निंदा ना करें प्रशंसा ना करें तो किसी की किसी के बारे में कुछ बोलना पड़े तो वो तो बोलना तो होगा ना किसी में अच्छाइयाँ हैं बोले सच बोलो ना निंदा स्तुति करने की आवश्यकता है यह एक सूक्ष्म बात आ गई है थोड़ा ध्यान से सुनेंगे निंदा और स्तुति नहीं करना चाहिए क्या करें बोले सच बोलो यथार्थ वक्ता हो जाओ यथार्थ वक्ता कैसे होना है बोले तीन पॉइंट समझने के लिए एक पंक्ति में तीन बिंदु रख लो बीच वाला जो बिंदु है मध्यम बिंदु वहां आप खड़े होकर के जो बोल रहे हो वो सत्य है गीता जी के प्रारंभ में दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा हुआ है ये मध्य बिंदु है और उस सत्य को जैसा तुमने देखा जैसा सुना वैसा वर्णन करोगे तो यथार्थ भाषण हो जाएगा पर राग से प्रभावित होकर के इसमें तुमने कुछ मिलावट कर दी सच्चाई में राग बसात यदि मिश्रण किया तो वो प्रशंसा हो जाएगा सच नहीं रहेगा और उसी सत्य में द्वेष के कारण आपने मिश्रण कर लिया मिलावट कर लिया द्वेष के कारण तो वो निंदा हो जाएगा वो सत्य नहीं रहेगा अब समझ में आया कि सत्य क्या है निंदा क्या है प्रशंसा क्या है निंदा और प्रशंसा के मध्य बिंदु का यथार्थ भाषण का नाम ही सत्य है जिसमें मिश्रण करके कोई रागात्मक भाव नहीं जोड़ा और जिसमें देश देश प्रभाव से कोई दूषित भाव नहीं जोड़ा यदि जोड़ोगे देश भाव से कुछ मिलावट करोगे तो निंदा हो जाएगा छोटा सा दोष होगा देश के कारण मिलाओगे तो उसमें वो निंदा हो जाएगी मिलावट मत करो जो मिलावटी है वो या तो प्रशंसा है या निंदा है और कैसे बोले राग के कारण मिलावटी है तो प्रशंसा है और द्वेष के कारण मिलावटी है तो निंदा है इन दोनों दोषों से मुक्त जो तत्व है तथ्य है वो सत्य है वो यथार्थ है इसलिए आत्मनिंदा आत्म, आत्म प्रशंसा निंदा और पर प्रशंसा जो नहीं करता वो आर्य है अब ये लक्षण जिनमें घटे वो सब आर्य हैं और वो सबके द्वारा वंदनीय हैं सबके द्वारा आदरणीय है वो कहीं हों और ये लक्षण नहीं घटते हों तो फिर इनकी कोई नाम भर से तो कोई कुछ हो नहीं जाता कोई पंडित लिख ले कोई ब्रह्मांड का अधीश्वर लिख ले कोई अपने आप को ब्रह्म लिख ले भगवान लिख ले उससे क्या होता है जैसे आजकल जिसे देखो वही जगतगुरु लिख लेता है इसको क्या फर्क पड़ता है वो परिभाषित होता हो आचरण में जीवन में तो लिखना उचित है इसलिए इस श्लोक में एक तो तामा माने तुम्हारे जैसा अर्जुन से संबंध बहुत चर्चा हुई और दूसरा आर्य से संबंधित बिशद चर्चा हुई अब आगे चलते हैं भगवान कहते हैं भाई अर्जुन ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता इससे न यहाँ पर प्रशंसा होगी न स्वर्गलोक में तुमको आदर मिलेगा और ये अच्छे लोगों ने कभी पहले किया नहीं है तो तुम क्यों कर रहे हो क्लैब्यम मास्म गई तत्व हृदय दौर्बल्यम यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को परंतप शब्द के द्वारा संबोधित किया है परंतप परंतु माने परम शत्रु तापयती थी परंतु अरे भाई अर्जुन तुम तो शत्रुओं को अपनी उपस्थिति मात्र से अपनी स्मृति मात्र से तपा देते थे तुमको देखते ही उनके चित्त में आग लग जाती थी वो अग्नि साथ हो जाते थे वो डर के मारे कांपने लग जाते थे तो ये शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन आज तुम खुद कांप रहे हो तब चई वह आज तुम्हारी त्वचा स्वयं जली जा रही है जो दूसरों को जलाता था वो जल रहा है जो दूसरों को कपाता था वो आज कांप रहा है हे परंतप उत्तिष्ठ उठकर के खड़ा हो कहां से उठ के खड़ा होना है बोले क्लेबियम मास म तुम्हारे अंदर जो अधीरता आ गई है जो तुम्हारे अंदर पुमर्थ विधुरत्व तो आ गया है तुम्हारा जो पौरुष क्षीण हो गया है तुम्हारे मनोबल के गिरने के कारण तुम्हारे मोह के कारण विषाद के कारण उसको त्याग दे इस क्लैव्य को इस नपुंसकता को इस डरपो पन को त्याग दे कायरता को त्याग दे इसको प्राप्त मत कर हे पार्थ ए न उपपद्यते गांडीव धनुर्धारी अर्जुन त्रैलोक के विश्रुत अर्जुन को, को ये शोभा नहीं देता न उपबद्यते तोयी तुम्हें ये जो दुर्गुण आ गया है तुम्हारे शोभा के तुम्हारी महिमा के तुम्हारे व्यक्तित्व के विरुद्ध है और संसार में हमको कुछ भी करना होता है तो हमको हमारे व्यक्तित्व का आकलन करना पड़ता है क्या हम जिस कुल में जिस खानदान में जिस वर्ग में जिस आश्रम में जिस जाति में जिस संप्रदाय में जिस संस्थान में जुड़े हैं क्या ये आचरण उसके अनुरूप है कुछ भी करने से पहले ये अपने आप से खुद पूछ लेना चाहिए कि जो तुम कर रहे हो यह तुम्हारे अनुकूल अनुरूप है कि नहीं इसलिए हृदय दौर्वल्यम या क्षुद्रम हृदय दौर्वल्यम अस्ती तत्यक्त्वा इस हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग करके अल्प विचार रूप जो क्षुद्र कल्पित मम ममता से उत्पन्न जो शोक रूप छुद्रता है उसको त्याग करके उठ करके खड़े हो जाओ अर्जुन ने सुना तो अर्जुन तो अपने केंद्र के अपने उस विषाद रूप सरोवर में डूबे हैं इसलिए भगवान के कहने पर भी अर्जुन ने इतना सुना कि बात तो ठीक है अनार्य जुष्ट है अस्वर्गीय है अकीर्ति कर है और ये असमय में मेरे अंदर जो युद्ध से विरत होने की प्रवृत्ति आ रही है ठीक नहीं है और ये भी ठीक है क्लीवता है यह हृदय की दुर्बलता है तो अर्जुन ने प्रश्न किया भगवन यदि आप कहते हो कि ये हृदय की दुर्बलता को छोड़ करके कर युद्ध करूं तो मुझे एक बात तो बताओ ये मेरे पूज्य जन हैं गुरुजन हैं इनके साथ में युद्ध कैसे कर सकता हूं पहले श्लोक के रूप में स्मरण कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं <coughs> <coughs> कथम भीष्म कथम भीष्मे द्रोणचा मधुसूदन कथम द्रोणं च मधुसूदन यशु भी प्रतियोत्स्यामी पूजा इसमें भगवान को दो बार संबोधित किया है पहले मधुसूदन और दूसरी बार अरिसुदन मधुसूदन का मतलब है एक मधु नामक दैत्य को जिन्होंने मारा ये तो सब जानते ही हैं पर संतोष नहीं हुआ कि केवल मधु को ही मारा क्या तो अर्जुन ने दोबारा कहा नहीं अरिशूदन जो धर्म विमुख भगवान का तो कोई शत्रु हो नहीं सकता भगवान का आर्य तो कोई हो नहीं सकता भगवान का शत्रु त्रैलोक्य में त्रयकाल में किसी भी प्रकार से संभव नहीं है पर भगवान का शत्रु होने का भाव यह है कि जो धर्म के विमुख है धर्म को क्षति पहुंचाते हैं अर्थात धर्म के शत्रु ही धर्म को क्षति पहुंचाने वाले ही भगवान के शत्रु के स्थान पर खड़े हो जाते हैं जो मानवता के विरोधी हैं वो भगवान के शत्रु के स्थान पर उपस्थापित कर दिए जाते हो नहीं सकते कौन होगा भगवान का शत्रु इसलिए हे अरिशूदन एक बात तो बताओ कथम माने कैसे अहम भीष्मम और वो भी संख्य युद्ध के मैदान में और द्रोण और वो गुरुदेव द्रोणाचार्य को यशु भी और वो भी बाणों के द्वारा मैं इनके इनके ऊपर प्रहार कैसे करूंगा अपितु ये तो दोनों के दोनों पूजार हो ये तो पूजा के योग्य हैं ये सम्मान के योग्य हैं आप कहते हो युद्ध करो मैं कहता हूं कि वाणी से भी य बाचापी इति वक्तुम अनुचितम असंभवम तत्र कथम बाणई जिन गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज को और बाबा भीष्म पितामह को मैं बाणी से भी नहीं कह सकता कि लड़ूंगा तो भला बताइए ना तो ये उचित है और ना ही मेरे में इतनी क्षमता है औचित्य भी नहीं बनता है और क्षमता भी नहीं है कि जो पूज्य जन है जो पुष्पादिक के द्वारा वंदनादिक के द्वारा प्रसन्न प्रशंसित होने चाहिए पूजित होने चाहिए उनके साथ युद्ध कैसे करूँगा ये बहुत अच्छी बात कही अर्जुन ने और ये सच भी है संसार का कुछ भी पाने के लिए अपने पूज्य जनों के सम्मान को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए क्या है ऐसा जिसको पाकर के आप अमर हो जाएंगे ऐसा क्या है कि जो गुरुजन हैं पूज्य जन हैं है, उनको प्रताड़ित करके पीड़ित करके पराजित करके उनका तिरस्कार करके आप हर्ष को प्राप्त कर ले जाएंगे या राज्य पालेंगे तो क्या पाएंगे और कब तक पाते रहेंगे कब तक पा सकेंगे कब तक ये रहेगा इसलिए पूज्य जनों का निरादर करके कुछ भी मिलता हो तो सामान्यतया व्यक्ति को अवॉइड करना चाहिए बच जाना चाहिए भगवान ये तो कुष्मादि भी अर्चन योग्य पुष्पादिक के द्वारा अर्चन योग्य है तो बाणों से कैसे लड़े इनके साथ एक बहुत अच्छा भाव है इसमें बाबा भीष्म तो मेरे पूज्य हैं पिता के भी पूज्य वंदनीय हैं इसलिए उनसे लड़ना उचित नहीं दूसरा द्रोणाचार्य तो केवल गुरु मात्र नहीं है अपितु तो ये तो ब्राह्मण भी हैं ये आचार्यत्व तो है न पूज्य न तो ब्राह्मण मात्रत्व तो न दोनों के दोनों ने हमको सिखाया है तो इसलिए आचार्यत्व तो है सतपथ ब्राह्मण में श्रुति है यद्यपि राजा परमतांगति यद्यपि राजा परमता को श्रेष्ठता को प्राप्त होता है ब्रह्मीवान तथा उपनिश्रियति उपनिश्रयति अर्थात जो क्षत्रिय है जो राजा है वो राजसु यादि यज्ञ करके और शास्त्र के अनुशासन में रहकर अपनी जीव, जीवन को जीवन यात्रा को पूर्ण करने वाला है शास्त्रोक्त कर्मों को करने वाला है और राजसु यादि यज्ञ करके जाता है तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है ये सामान्य नियम है अच्छा आगे कहते हैं कि स्वाम योनिम यह हिनस्ती और स्वाम स योनिम रिच्छति जो अपनी योनि को अर्थात जिस योनि में जाने वाला है उस योनि को हिनस्ती माने मारता क्षत्रिय ब्राह्मण को मारता है तो स स्वाम योनिम एवं रिच्छती वो अपने ही जीवन को नष्ट कर रहा है और स पापियान भवती वो पापी होता है यथा श्रेयांशीम हिंसित अपने अपने श्रेय को नष्ट करने वाला होने के कारण इसलिए तस्मात तस्मात्ति पूर्वश्रोत क्षत्र एव तद्यसो दधाती जो राजा है जो क्षत्रिय है राजस्व आदि करके उत्कृष्टता को ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है और अवसाने ब्रह्म ब्राह्मणत्व में उपनिष्ठ रहती ब्राह्मणत्व को ही प्राप्त करता है इसलिए क्षत्रिय धर्म है स्वाम यौनिम अपनी माने प्राप्तव्य स्थान को अर्थात ब्राह्मण को कभी न मारे नहीं मारना चाहिए उसको घोर पाप लगता है तैत्रीय तेत्रिय ब्राह्मण में भी ऐसा वर्णन आता है कि यावतीर वही देवता वेद विधि ब्राह्मणे बसंती में एक वचन आता है कि जितने यावतीर भई देवता हा। आप सोच रहे होंगे कि यावती शब्द का प्रयोग क्यों किया यावंतोपी देवाहा होता तो क्या हानि थी वो देवता शब्द स्त्रीलिंग है देवता शब्द स्त्रीलिंग होने के कारण यावती शब्द का प्रयोग हुआ है यावतीर वही देवता हा। जितने भी संसार में देवता है ताह ये भी स्त्रीलिंग है साते ताह ताह सर्वाह वेद विधि वेद वेदता ब्राह्मण के देह में निवास करते हैं किस ब्राह्मण के बोले जो वेद वेदता ब्राह्मण है और केवल वेद वेदता नहीं वेद के तत्व को जान करके तद आचरण करने वाला ब्राह्मण है उसके देह में निवास करते हैं तस्माद् ब्राह्मणेभ्यो वेद दिवे दिवे नमस्कुरियान इसलिए प्रतिदिन वेदवेदता ब्राह्मण के दर्शन हों तो प्रसन्न होकर के आनंदित होकर के क्योंकि ऐसे वेदवेदता सदाचार निष्ठ ब्राह्मण के दर्शन मात्र से अघ हानि होती है जैसे सूर्य का दर्शन करने से पाप मिटते हैं गौ का दर्शन करने से पाप मिटते हैं अश्वत्थ का दर्शन करके प्रणाम करने से पाप मिटते हैं ऐसे ब्राह्मण को नमस्कार करने से भी पाप मिटते हैं तेसाम कदापि नासम विरुद्धम कीर्तित उन मर्यादम न बदेत इनकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए ऐसा अन्य टीकाकारों ने यहां पर कहा अर्जुन कहते हैं कथम भीष आ, कथम भीष्म तो हो गया ना गुरु न गुरू नहानुभावान श्रेय भोक्तुम भैक्ष्यम हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहब भुंजीय अभोगान रुधिर प्रदिग्धान अर्जुन ने आज अब कहा भगवन लड़ना तो संभव नहीं है और मैं तो ये कहता हूं कि गुरुजनों को अहत्वा माने मारे बिना ही निश्चय न इन भीष्म द्रोण प्रमुख शल्य कृपाचार्य बाल्हीक ये गुरुजन हैं और बाल्हीक तो महाराज भीष्म पिता में से भी बड़ी उम्र के हैं और यदि सच है तो संभवतः ९०० वर्ष उम्र है महाभारत के युद्ध के समय बाल्लीक जी महाराज की आप सुन रहे हैं ना ये भीष्म पितामह के भी ये पूज्य हैं संभवतः संतनु के भाई हैं महाभारत के युद्ध के समय बाल्ली की उम्र 900 वर्ष और बड़े विलक्षण योद्धा बाबा भीष्म की उम्र उस समय 600 वर्ष श्री द्रोणाचार्य जी महाराज की अवस्था 400 वर्ष और कर्ण की अवस्था संभवतः 125 वर्ष और अर्जुन की और भगवान कृष्ण की उस समय भौतिक भगवान कृष्ण तो भगवान है उनकी अवस्था क्या पर उनकी प्रकट हुए लगभग लगभग नब्बे इक्यानवे वर्ष के हैं दोनों महाभारत युद्ध के समय अब सोचो कल्पना करो आप आज के समय के हिसाब से अपनी मानवीय क्षमताओं की दृष्टि से विचार करोगे तो आप सोचोगे कि 400 सो वर्ष का आदमी धनुष लेकर के खड़ा है और मारा नहीं जा रहा है उनकी आंखें उनके दांत उनकी नाक उनके कान उनकी इंद्रियां सारी की सारी अच्छी हैं और सो चार सौ और 900 साल का व्यक्ति महाभारत के युद्ध के मैदान में लड़ने आ गया है और हमारी दशा तो यह है कि साठ साल के होते हैं तो बूढ़े हो जाते हैं सत्तर के हो गए तो कांपने लग जाते हैं अस्सी के हो गए तो गिर जाते हैं नब्बे नब्बे का कोई कोई सौ का कोई कोई दिखता है तो ये विकास हुआ कि ह्रास हुआ है संसार की जो यात्रा है ये संसार के लोग कहते हैं विकासवाद की यात्रा है झूठ बोलते हैं संसार की यात्रा ह्रासवाद की यात्रा है धर्म का तत्व घट रहा है मनुष्य की शक्ति घट रही है महाभारत की तो बात दूर की है महाराणा तो 500 साल पहले हुए हैं आज भी उनके भाले को उठा करके उनके जो शरीर पर कवच आदि धारण करते थे मुकुट आदि धारण करते थे महाराज उसको कोई उठा करके देख ले और सोचो कि इतना भारी स्वयं संभवतः 200 तो किलो वजन था यार दो सौ पचास ढाई कितना वजन था महाराणा का ऐसा कुछ वर्णन मिलता है ये दो ढाई कुंटल वजन को लेकर के घोड़े पर बैठना भी शस्त्र फेंकना भी और दौड़ लगाना भी कोई आसान काम था क्या पर एक कल्पना नहीं है सच है धीरे धीरे बौद्धिक क्षमताएं घट रही है, दीरे दीरे हैं धीरे धीरे शारीरिक क्षमताएं घट रही हैं पदार्थों की पवित्रता घट रही है पदार्थों का जो सत्य था वो घट रहा है इसलिए सब कुछ घट रहा है तो ये विकास बाद नहीं संसार की यात्रा ह्रास की ओर जाती है विकास की ओर नहीं तो इन गुरुजनों को मारे बिना महानुभावान माने महामहात्म्यान श्रुताध्ययन संपन्नान इनको मारे बिना मैं तो भीख मांग करके भी जीविका का निर्वाह कर लूंगा पर युद्ध नहीं बोले भी शब्द का प्रयोग क्यों किया आपी इह। आपी शब्द का प्रयोग यह संकेत करता है कि क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांगना अधर्म है ये कोई भी झोली फैला करके जो दौड़ पड़ते हैं न मांगने के लिए मांगना तो मृत्यु के समान है मरणम नित्य याच्याच ये मृत्यु है मांगना संसार मैं भिक्षा की व्यवस्था केवल उन असक्त लोगों के लिए है जो उपार्जित करके नहीं खा सकते जो अंग विहीन हैं जो अपने अपने भोजन का अर्जन करने में जिनकी शक्ति नहीं है ऐसे लोगों के लिए दया है ऐसे लोगों के लिए फ्री का भोजन होना चाहिए भिक्षा होनी चाहिए अब तो कोई भी मांग रहा है फ्री का मिल जाए बिना कुछ किए मिल जाए अकर्मण्य लोगों के समूह से भी राष्ट्र और समाज क्षतिग्रस्त हो जाते हैं क्षत्रिय के लिए यद्यपि मांगना उचित नहीं है भीख मांगना परंतु क्या करूं उस भीख मांगने से जो पाप लगेगा उससे भी कई गुना अधिक पाप तो इन गुरुजनों को मारने से है इसलिए मैं इनको मारे बिना भी भीख मांग करके भी जीना पड़े तो जी लूंगा भीख मांगने की बात तो केवल उन के लिए थी जो साधना में तल्लीन रहते हैं भिक्षा के अन्न को अमृत माना जाता है किन के लिए जिनके पास में साधना के स्वाध्याय के करने से समय नहीं बचता और वो प्रसाद रूप में जीवनो जीवन निर्वाह के लिए पवित्र घरों से प्रसादी ले आए अभी तो कोई भी मांग रहा है भीख मांगना अच्छा नहीं और हत्वार्थ कामांस्त गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान महाराज हत्वा, हत्वा यह गुरुन हत्वा यहाँ इन गुरुजनों को मार करके प्रदिग्धान जो रक्त में सने हुए भोग हैं जो अर्थ काम जनित भोग हैं उनको भोगना ये मैं उचित नहीं समझता अपने हित में नहीं समझता अति ही गरहित गुरु बदादी से जो उत्पन्न होने वाले प्राप्त होने वाले भोग हैं ये ठीक नहीं है इसलिए अर्जुन ने यहां पर स्पष्ट कर दिया कि मुझे ये स्वीकार्य नहीं है कि मैं इन गुरुजनों को मार करके इस संसार का साम्राज्य पाऊं इसलिए कहा जाता है आ, आपस्तंभ संहिता में यह वर्णन आता है तस्मात ब्राह्मणाय नाप गुरेत ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए न निहन्यात उसका बध भी नहीं करना चाहिए लोहितम कुयात एतावता न लोहितम कुरियात अर्थात निहन्नेत माने बध करना और न लोहितम कुरयात अर्थात उसको उसके शरीर से रक्त गिरे क्षति भी मत पहुंचाओ व्रण नहीं करो ऐतावता हीन सा भवती क्योंकि ऐसा करोगे तो आपको घोर पाप लगेगा ब्राह्मणम नाप गुरेत सक्रोधाविर्भावेन नोद गिरेत क्रोधाविष्ट होकर के उनको अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है ब्राह्मण के ब्राह्मण के शरीर का रक्त यदि तुम्हारे कारण गिरा तो ये तुम्हारे लिए घोर पाप होगा और ब्राह्मण शब्द का अर्थ यहाँ द्रोणाचार्य जी तो हो गया भीष्म पितामाहमा गुरुत्व की भावना से बात कही गई इसलिए कुछ भी हो परंतु मैं ये कार्य नहीं कर सकता और इतना कहने के बाद अचानक अर्जुन के मन में क्या आया भगवान के उपदेशों को सुन भी रहे होंगे अपनी बात भी कह रहे होंगे वो जो तरंगों की जैसी हलचल चित्त में हो रही होगी करूं कि ना करूं इसलिए अपनी दुविधा को भगवान कृष्ण के चरणों में प्रगट करने का भाव अर्जुन के मन में आया कि न चैतत विदमा कतरन्नो गरियो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इन दोनों में कतरत क्या घरी श्रेष्ठ क्या है तो इस विषय पर विचार भगवत कृपा से अग्रिम सत्र में करेंगे अब वाणी को यही विराम क्या महात्मा नमूना आपके वक्तृत्व में भाष्य की चर्चा कम और अन्य की संभव तो प्रसंग बस परंतु आपके संज्ञान में ये बात आनी चाहिए से ब्रो शास्त्री जी सेवराव शास्त्री जी कि यहाँ तक त्यक्ता ऋषिकेश प्रहसन क्या है एवं मुक्त ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप नोत्स गोविंद मुक्त यहाँ तक शांकर भाष्य उपलब्ध नहीं है आ, मैं संज्ञान में लाऊं शांकर भाष्य यहां से नहीं शांकर भाष्य प्रारंभ होता है अशोचानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य की भूमिका से इसलिए शांकर भाष्य न, न होने से तब तो फिर आनंदगिरी ने टीका की है हम जितना भी बोल रहे हैं हमारे अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हाँ कुछ थोड़ा बहुत जैसे कि अन्य उद्धरणों से प्रसंगों से लाए होंगे तो जैसे ये आनंदगिरी टीका का आश्रय लेकर के और एक टीका अन्य और है और एक दो तीन टीकाओं का आश्रय लेकर के ये सब पक्ष रखे जाते हैं ये पक्ष इसलिए रखे जाते हैं कि श्लोक के अंदर जो सन्निहित भाव है वो प्रकट हो जाए तो उद्देश्य यह है और जब शांकर भाष्य आएगा तब तो आप उसका आनंद ले पाएंगे हर हर महादेव